सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों की लागत से बने मॉडल अस्पताल में मंगलवार से इमरजेंसी सेवा भी शुरू हो गया है। उद्घाटन के बाद से अब तक मरीजों को यहां सिर्फ ओपीडी सेवा का लाभ मिल रहा था। आपातकालीन सेवा पुराने सदर अस्पताल भवन में ही चल रहा था, लेकिन अब मरीजों को एक ही छत के नीचे ओपीडी और इमरजेंसी दोनों सेवा मिलेगा। मंगलवार को सदर अस्पताल के पुराने अस्पताल भवन से आपातकालीन वार्ड को मॉडल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मॉडल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड शिफ्ट होने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर के कश्यप, डीपीएम संतोष कुमार समेत स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मियों ने इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों ने इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और जो भी कमी रह गई है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर कश्यप ने बताया कि अब मरीजों को ओपीडी और इमरजेंसी समेत तमाम तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेगा। सर, सबसे पहले ये बताया जाए कि आज एक मॉडल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुका है इमरजेंसी वार्ड, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मुझे ये कहना है कि जो डीएस हैं डॉक्टर आकाश भाई जी सर, इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पुराने बिल्डिंग से सुनाई बिल्डिंग मॉडल में आपातकालीन सभी सुविधाओं के साथ आपातकालीन सेवा यहाँ हासिल शुरू करा। यस सर, इसमें क्या क्या सुविधाएं है थोड़ा सा जानकारी? जो आपातकालीन में होती है इमरजेंसी में जो सुविधाएं होती है 24/7 जी सर, ये आपातकालीन सुविधा होती है। अच्छा, और इस आपातकालीन सुविधा में 24/7 जो है वो पुराने बिल्डिंग से इस नए मॉडल बिल्डिंग में शिफ्ट कर चुका है। हाँ, शिफ्ट कर दिया, वो आज से मतलब शुरू हो चुका है। मतलब कोई भी पेशेंट मतलब आए तो वो डायरेक्ट मॉडल में ही पहुंचे? हाँ, डायरेक्ट वो मॉडल में। यहाँ मतलब हर डॉक्टर से लेकर नर्स से दवाई से लेकर हर चीज इसी में है जी? हाँ। अच्छा, तो सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिएगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार कश्यप, सिविल सर्जन अररिया। मैं डॉक्टर पीताम्बर कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल अररिया। सर, आज सदर अस्पताल से मॉडल अस्पताल में आप शिफ्ट किए हैं, इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रहा है और जनता को क्या क्या सुविधाएं मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे सर? लेकिन जितनी भी होती है आपातकालीन में आधुनिक सुविधाओं से लैस है हमारा मॉडल अस्पताल जी सर। इस पर हमारे नए सिविल सर्जन का बहुत शुरू से ही इस पर ध्यान था। अच्छा अच्छा, उन्होंने इसे शीघ्र से शीघ्र शुरू करवाने का काम किया। अच्छा, ये सर उसमें बहुत लगे रहे दिन रात। अच्छा, आज फलीभूत हो रहा है और अररिया के लोगों को इस हमारी जो सुविधा है हम अच्छे से दे पाएंगे नए रूप में नए जो। तो सर, आपको क्या मतलब यहाँ क्या महसूस हो रहा है, अच्छा किस तरह का? अच्छा तो है, एक सरकार की भी एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि मॉडल अस्पताल बनाया जाए। अच्छा, और सर इसको पूरा करने में रात दिन लगे रहे कि नहीं हम अच्छी से अच्छी हमारे अररिया को अपनी सेवा दिलवा पाए, उसके लिए हम लोगों को लोग सीएसआर के साथ हैं और अच्छा, हमारी टीम पूरी तरह से। डॉक्टर की तरफ से सर आप क्या यहाँ की जनता को कहना चाहेंगे? हम जनता को कहना चाहेंगे कि हम भी आप ही के बीच के लोग हैं और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहते हैं, आप सहयोग करें और जितना अपेक्षा आप हमसे रखते हैं हम भी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि माहौल को अच्छा बनाए रखें और थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन अच्छे से हम करेंगे और शांति बना के आप सेवा लें और बहुत अच्छी सेवा। मतलब जनता का शांति बनाए रखें तो आप लोग भी शांति बनाए रखेंगे? बिल्कुल, शांति हम लोग तो देखिए आप हम अकेले हैं, आप 10 आदमी जी जी, तो 10 आदमी में हम डिसाइड करेंगे किसको पहले देखना है जी जी, तो थोड़ा सा उसको संयम रखना पड़ेगा, जिसको जरूरत है उसको हम उसके अनुसार से। ठीक है सर, सदर अस्पताल से मॉडल अस्पताल में शिफ्ट हुआ है इमरजेंसी, इस पर आपका क्या कहना है सर, इसमें क्या क्या सुविधा है तो जानकारी दीजिए? इमरजेंसी में 24/7 जो भी सुविधाएं मिलती है वो सारा सुविधा है, ड्रेसिंग वगैरह और जो भी है इमरजेंसी सुविधाएं सारे उपलब्ध हैं। जहाँ तक कि जांच की बात है वो हमारे जो ओपीडी जो है इमरजेंसी से अटैच है वो सारा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉग बाइट के केसेस के लिए हमने पहले 24/7 नहीं हो पा रहा था, उसके लिए हमने जो है प्रयास किया है कि ताकि डॉग बाइट केसेस को 24/7 जो सुविधा उपलब्ध हो सके जी सर। और रजिस्ट्रेशन काउंटर वगैरह है तो क्योंकि अब कुछ पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है और पेपरलेस हो चुकी है तो डाटा ऑपरेटर हम लोग को मिलने वाले हैं 102 दिन में,
वो भी बहाल होने के बाद 24/7 पेपरलेस काम करेगा। अच्छा, राणा सदर अस्पताल से नया मॉडल में इमरजेंसी वार्ड शिफ्ट किया है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी पुराने भवन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट चल रहा था। जी सर, सरकार द्वारा मॉडल अस्पताल विकसित किया गया है, तो आज हम लोग वहाँ से सभी सुविधाएं जो आपातकालीन की थी उसको यहाँ पे आज शिफ्ट किए हैं। यहाँ पे वहाँ से ज़्यादा स्पेस है, ट्राइज की व्यवस्था अलग से है, जोनिंग किया हुआ है मरीजों का, येलो जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, मरीज का जो स्थिति है उसके अनुसार पेशेंट को कैटेगराइज करके उनको रहने की व्यवस्था है, नर्सिंग स्टेशन है, पेयजल है, बैठने की व्यवस्था है, तो आमजन को इससे काफ़ी लाभ